महाराज जी हजूरी बैठी समूह साध संगत वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिहड़ी अज असली गल करनी बनती है बनती वह है कि 14 तरीक नूं अज 8 साल हो चुके। इस 4 मार्च नूं जदों इत्थे एक समागम होया सी तां कुलदीप सिंह सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल कैबिनेट मिनिस्टर ते सरदार जसकरन सिंह आई जी जिन्हां ने मैनूं पासे लिजा के कहा कि मोर्चे का की करना है, तो मैं क्या मोर्चा उन्ना चिकर चलेगा जिन्ना चिकर तुसी इन्हां दे सारे जिहड़े दोषियों का चलान पेश नहीं करते। तो सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि 15 तो 20 मार्च तिकर साडा अमृतसर एक बहुत वड्डा समागम है, उस तो बाद 31 मार्च तिकर जिहड़े दूजे दोषी ने, दूजे दोषी किहड़े उदों सी सीएम प्रकाश सिंह बादल ते डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, तो दोनों का जिहड़ा चलान है वह असी 31 तरीक तक पेश कर देंगे। तो मैं तुसी इहनू लै जाओ। तो मैं क्या जी कि 15-20 दिन रह गए ने, तुसी चलान पेश कर दिओ ते इह चुके इथों लै जाणगे। तो कहिंदा मैं वह गल करदा, मैं कुलदीप सिंह धालीवाल मैं बोलदा उदों आ जदों काम दूजा पूरा करके हटदा। 7 महीने हो गए, 2 चक्कर इहदे कोल चंडीगढ़ मारे, इहनू कहा कि चलान पेश करो क्यों नहीं करदे, क्योंकि कोर्ट पूरा कांड दा जिहड़ा चलान है उहदे ते इस दे विच डिप्टी सीएम दे खिलाफ चलान पेश होना है, उन्होंने साजिश की है, साजिश का चलान पेश होना है, इस कोई वड्डी गल नहीं। चलो समा लंघ गया, एक एप्लीकेशन लाई कोर्ट के अंदर कि मदई पार्टी दोबारा आपके बयान देने चाहती है जेडे पहले बयान गलत लिखे गए। तो हम एक आदमी जिहड़ा अपने आप नूं रोज ही कह दिंदा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हाजरी के विच दरखास्त सुटती है, तो सब तो वध विरोध अदालत दे विच ओह कर रहा। हुण सरकार दे कोल इक बहाना बन गया कि जी तुसीं दरखास्त लाई है, दरखास्त तुहाडा आपदा ही MLA नूं डिले कर रहा है, चलान पेश नहीं हो रहा। सो साडी अज जिहड़ी मेन मंग है वह यह है कि सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा डिप्टी CM है, क्योंकि CM दी डैथ हो चुकी उदों दे दी, तो उनका रोल बनता है जो कोर्ट पूरे दे विच उन्हें साजिश की है, तो उही साजिश जिहड़ी है बहबल कला आउंदी है, चलान क्यों नहीं पेश हुंदा। सो जिहड़ी मेन गल है कि सरकार दोनों साइड से गेम खेड रही है, एक साइड से आपके अफसर लाए हुए ने, दूजी साइड से आपका MLA खिलारिया होया है। सो गल है कि चलान पेश क्यों नहीं हो रहा, जां तां अफसर बेलगाम ने, जाए खुद पौंदे खिलाफ चलान पेश नहीं करते, जां इन्हां दा सेंटर दे अंदर कोई समझौता हो चुका है, क्योंकि 307 दा केस आ, पता कि वह चलो 307 ते वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इत्थे डबल मर्डर है। डबल मर्डर दे विच जिहड़ा बंदे नूं बरी होण दी बड़ी मेजर प्रॉब्लम आउंदी है, तो मैनूं लगदा है कि उदों दे डिप्टी CM नूं इह सरकार ते इह अफसर बचाउणा चाहुंदे। असी अज जिन्नी अज इत्थे असी समागम च गल की, चलो ठीक है बड़िया वधिया गल्लां ने, वह खालिस्तान दियां ने, खालसा राज दियां ने, पर अज मेन गल जिहड़ी है इह चलान दी करनी। अज मेन असी इन्हां नूं सरकार नूं पुछना है कि चलान क्यों नहीं पेश हो रहा, तुसी क्यों उस मुख्यमंत्री नूं बचाउणा चाहुंदे हो, उस मुख्यमंत्री नूं बचाउणा चाहुंदे हो जिन्हां ने प्रेमियां नूं नाल लैके गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती ते कराई, उन्हां नूं असीं गल क्यों नहीं करदे उन्हां दे खिलाफ, क्योंकि उन्हां नूं सरकार बचाउण लग पई है, मैनूं यही लगदा। दूसरी गल, जिन्ने भी इत्थे मैंबर साहिबान आए ने सारियां ने बड़ा सोहना बोलिया है, ठीक है सिख राज आउणा आउणा चाहीदा है, सिख राज तों बिना सिखां दा कोई हाल नहीं, थां थां ते 1947 तों पहलों भी साडे कोल दरियां सी, ते 47 तों बाद भी साडे कोल दरियां बिछाउण जोगे रह गए आ, साडे पल्ले कुछ नहीं रह गया। पर एक मेन जिहड़ी गल है कि जे असी इसे तरह जमीना वेची गए, इन्हां दे MLA सरकारां दे कलोनियां बनाउंदे गए, बिहार ते UP आके पंजाब च वसदा गया, की सिख राज बना लोगे, की गोवा दे विच जाके सिख राज की डिमांड कर लोगे, ना उत्थे तुहाडे कोल जमीन ते ना तुहाडी आबादी, इही तुहाडे पंजाब च हाल होना है। जमीन सारी चंगी है, तुसी वेच के बाहर जा रहे हो, 7-7-8-8 सड़कां कढ़तियां सरकार ने, 10-10 फुट उच्चियां, 40-40, 50-50 हज़ार एकड़ जमीन तुहाडी पंजाब चों खत्म हो रही है, किधर दी गल करांगे असीं। जे महाराजा रणजीत सिंह
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਨਾਲ ਅੱਡਣੀ ਪੈ ਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਈ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ NSA ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। NSA ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪਟੀ CM ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।